हेलो दोस्तों, कैसा रहा आज का दिन? कमेंट करके बता देना। प्रॉफिट वगैरह जो भी हुआ हो आज, कितना या किसी का लॉस वगैरह जो भी हुआ हो, ओवरऑल तो सब कुछ बता सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम है ट्रेडिंग से रिलेटेड तो उसके लिए लाइव मैंने चालू कर दिया है, तो लाइव में मुझसे बात कर सकते हो। अपनी जो भी प्रॉब्लम है कमेंट में बता सकते हो। जो बिगनर ट्रेडर है, मतलब जो नए ट्रेडर हैं, नए अभी अभी मार्केट में आए हैं, कुछ सीखना चाहते हैं यदि, तो एक प्रकार से मैंने उन सब के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया है, कहा जाए तो। लाइव में सब कुछ पूरा आइडिया दे रहा हूँ मैं। जैसे कैंडलस्टिक वगैरह है, या चार्ट पैटर्न है, या टेक्निकल है, फंडामेंटल जो भी है, अगर कोई किसी स्टॉक से रिलेटेड पूछना है तो वो भी पूछ सकते हो, कहा जाए तो, है ना। और अगर कमेंट पे अगर बोलेंगे कि किसी स्टॉक्स का लेवल वगैरह जो भी है अगर पूछना है आपको, तो वो भी कर देना कमेंट में, ठीक है। तो अगर आज की जो कैंडल देखेंगे निफ्टी में, तो निफ्टी में जो कैंडल आज अच्छी खासी बुलिश कैंडल बनी हुई है। और आज का जो मार्केट था, ये मार्केट लीडर आज जो TCS और इन्फोसिस का जो रिज़ल्ट आया है ना, उस कारण से आज मार्केट कहा जाए तो अच्छा खासा बुलिश था। TCS और इन्फोसिस के कारण ये दो कंपनियों ने आज निफ्टी को नीचे नहीं आने दिया, ऊपर ही लेके जाते गए, और आज बुलिश कैंडल बनी हुई है, और अच्छी खासी बुलिश कैंडल बनी हुई है अगर देखेंगे। और जो काफ़ी टाइम से, मतलब करीब करीब 4, 8, 10 दिन से करीब, जो एक रेंज में 500, 21,500 से 21,800 की रेंज में, 300 पॉइंट की रेंज में जो मार्केट घूम रहा था, 300 350 पॉइंट की रेंज में, उस रेंज को आज मार्केट ने ब्रेक कर दिया है, और ब्रेक करके ऊपर भी क्लोज दे दिया है। 21,894 में क्लोज है, 21,900 मान सकते हैं ना, इसमें क्लोज है अगर मार्केट का। आज एक नया ऑल टाइम हाई लगाया है मार्केट ने, 21,928 करीब में, है ना। तो अगर अब आगे के लिए बात करेंगे, अगर थोड़ा सा देखेंगे निफ्टी को, तो निफ्टी को वीकली टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे थोड़ा सा, तो अच्छी खासी अगर देखेंगे तो कहा जाए तो हैमर कैंडल बनाया है। और अगर हैमर कैंडल बनाया है तो ये मान लो कि अब निफ्टी में या फिर स्टॉक्स में जो भी हो, सब में अब सुनामी आने वाली है, कहा जाए तो। सुनामी मतलब ऐसी सुनामी कि 21,000 को तो ठीक है, 21,000 को तो कभी अभी आने में और टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा कहा जाए तो, और हो सके तो आए भी ना। और देख, अगर वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल देखेंगे निफ्टी में, तो कितनी अच्छी बुलिश कैंडल बनी है और हैमर कैंडल बनी है कहा जाए तो। मतलब आने वाला जो टाइम है ना निफ्टी के लिए, निफ्टी में जो भी ट्रेडिंग, अगर पोजिशनल ट्रेडिंग भी करना चाहेंगे वो, तो पोजिशनल ट्रेडिंग में भी, स्विंग ट्रेड कहा जाए जिसको, निफ्टी में भी स्विंग ट्रेड होती है, लेकिन सेलर्स के लिए ज़्यादातर होती है, क्योंकि बायर्स के लिए एक मोमेंटम वाला मार्केट ही कैप्चर करना पड़ता है बायर्स के लिए। सेलर्स के लिए अगर स्विंग ट्रेड करेंगे तो सेलर्स के लिए बहुत अच्छा रहता है स्विंग ट्रेड के लिए। तो अब निफ्टी में अच्छा खासा कहा जाए तो मूवमेंट आने वाला है, और 22,000 को तो अभी बहुत जल्दी टच कर देगा ये, मंडे हो सकता है, मंडे को ही टच करके और आगे निकल सकता है निफ्टी, ठीक है। अगर अगर अब देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी को, निफ्टी को देख लेते हैं पहले, निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं। तो अब निफ्टी चकने वाला नहीं है कहा जा रहा है, क्योंकि ये जो लेवल 8-10 दिन से इस रेंज में ट्रेड कर रहा था, उस रेंज को निकाल लिया मार्केट ने, और अब निफ्टी रुकने वाला नहीं है, क्योंकि और दो बार इस लेवल में मिलेगा भी नहीं। अगर कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह भी करना चाहेगा तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हो सके बहुत जल्दी, 1 से 2 महीने के अंदर में निफ्टी करीब 23,000 को टच कर सकती है। निफ्टी 23,000 टच कर सकती है, इस महीना नहीं करेगी तो अगले महीने फरवरी में कर सकती है, क्योंकि जो निफ्टी में जो हैमर कैंडल बनी हुई है ना वीकली टाइम फ्रेम में, वो बहुत मायने रखती है। मायने क्या, बहुत ज़्यादा मायने रखती है। ये देख, ये जो लेवल मैंने लगाया हुआ है डाउन डाउन साइड में, ये वाला लेवल, ये वाला लेवल, इस लेवल पर काफ़ी टाइम से मार्केट ने टाइम स्पेंड किया है, 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे तो, है ना। तो इस लेवल को आज मार्केट ने ब्रेक कर दिया, और ब्रेक भी कैसा किया, बहुत अच्छे उस पर, मतलब कहा जाए तो 1 आवर की टाइम फ्रेम की कैंडल देख सकती हैं आज की, ये वाली जो कैंडल बनी हुई थी,
कितनी अच्छी बनी है, और कहा जाए तो अच्छी बुलिश कैंडल बनी, हैमर कैंडल बनी हुई थी। ठीक है, अब आगे के लिए अगर देखेंगे निफ्टी में, तो निफ्टी में मैन तो ये है कि ये अच्छे बड़े टाइम फ्रेम में, लंबे टाइम फ्रेम में, 1 आवर हुए टाइम फ्रेम में, ये जो ग्रीन ट्रेंड लाइन आ रही है, इस ट्रेंड लाइन का ध्यान रखना। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन का ध्यान रखना, ये अच्छे लंबे टाइम फ्रेम में आ रही है, देख सकते हैं, और अच्छी तकड़ी ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही ऊपर मार्केट जा रहा है। ठीक है, और अगर अब दूसरा जो फैक्टर देखेंगे निफ्टी में, तो एक ध्यान रखना है, इस जो जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान रखना, उसी को मार्केट फॉलो कर लेता है, कभी कभी बहुत अच्छे से फॉलो करता है, और एक ट्रेंड लाइन और जा रही है ऊपर से अगर देखेंगे निफ्टी में, तो इस ट्रेंड लाइन को भी ध्यान रखना, ये जो ट्रेंड लाइन है आगे चल के काम पड़ेगी आपको, इस लेवल से रिजेक्शन ले सकते हैं। ये ट्रेंड लाइन कब काम पड़ती है, जब अपन ये ट्रेंड लाइन के पास जब कभी मार्केट पहुंचता है ना, जब छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं, 5 मिनट या 15 मिनट के टाइम फ्रेम में लगा के देखेंगे, तो एक शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल बनती है, इनवर्टेड हैमर कैंडल बनती है इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन देखे, तो फिर वहाँ पर पोजिशनल ट्रेड बना सकते हैं, मतलब पोजिशनल ऐसा कि 10 पॉइंट, 50 पॉइंट, 20 पॉइंट, 60 पॉइंट, 100 पॉइंट, ऐसे इस टाइप इस लेवल इतने पॉइंट के लिए ट्रेड बना सकते हैं, तो तब ये ट्रेंड लाइन काम करती है। ठीक है, और अब अगर देखेंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम में, तो ज़्यादा उतना कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, 1 आवर के टाइम फ्रेम में मार्केट का एनालिसिस बता देता हूँ कि मार्केट आगे की चाल क्या रहेगी, और आज की जो चाल थी वो किस हिसाब से थी। अगर देखेंगे तो 1 आवर के टाइम फ्रेम ये देखेंगे, मार्केट ये आया और ये अपसाइड गया, फिर यहाँ से डाउन आया थोड़ा सा, ठीक है, और ये अच्छा खासा रैली करके और फिर से अपसाइड गया, और अपसाइड जाके ये फिर डाउनसाइड आया, इसी सपोर्ट में सपोर्ट लेके रीटेस्ट मार के, और ये फिर यहाँ घूमते रहा, ये देखेंगे ये अपसाइड डाउनसाइड, ये घूमते रहा है, और आज इसको ब्रेक कर दिया, अगर ब्रेक तो किया है आज, थोड़ा सा रीटेस्ट मारने आ सकता है इसको मार्केट, और ये ऐसे निकल सकता है कहा जाए तो। ठीक है, और अब अगर बात करेंगे, ऐसा जी एनालिसिस बता दिया मैंने, ठीक है, अगर अब अगर बात करेंगे आज के दिन के मार्केट के बारे में, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ये इस टाइप का मार्केट था, और अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे आज का एनालिसिस में बता देता हूँ कि किस प्रकार से था ये मार्केट। ठीक है, आज के अगर एनालिसिस करेंगे आज के मार्केट को, तो आज के मार्केट में एनालिसिस सबसे सीखने वाली बात ये है कि जो आज का जो मार्केट था इसमें एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, अगर किसी ने ध्यान दिया होगा थोड़ा सा, तो इसमें एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, यहाँ से ये जो ट्रेंड लाइन थी, ये ट्रेंड लाइन को काफ़ी टाइम तक मार्केट ने फॉलो किया, मैं दिखा देता हूँ, किस हिसाब से आज का जो मार्केट था वो आज किस हिसाब से काम किया है, मार्केट यहाँ पर ये यहाँ पर ओपन हुआ था, उसके बाद 5 मिनट की कैंडल डायरेक्ट नीचे आई डाउन में, यहाँ आके फिर यहाँ से अच्छा खासा यहाँ मॉर्निंग स्टार कैंडल बनाया है, यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा ध्यान देंगे, किसी ने अगर ध्यान दिया होगा और इसके हिसाब से ट्रेड किया होगा, तो ये मॉर्निंग स्टार कैंडल बताया था, और अगर किसी ने मेरे लाइफ में जो लोग थे उन्होंने देखा भी है, और मैंने बताया भी था यहाँ पे कि यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार कैंडल बनी हुई है, ये 3 कैंडलस्टिक पैटर्न कहलाता है, 3 कैंडल से एक पैटर्न बनता है, उसको मॉर्निंग स्टार कैंडल कहते हैं, यहाँ पे मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाया था, और उसके ऊपर वाली जो कैंडल थी उसको अपसाइड में ब्रेक भी कर दिया, और उसके बाद भी जो अच्छा खासा मॉर्निंग स्टार पैटर्न अगर सक्सेसफुल होता है तो अच्छा खासा कहा जाए तो प्रॉफिट देता है, अच्छे खासे पॉइंट देता है, चाहे अपसाइड हो चाहे डाउनसाइड हो, अपसाइड के लिए मॉर्निंग स्टार पैटर्न होता है और डाउनसाइड के लिए इवनिंग स्टार पैटर्न। ठीक है, तो ये यहाँ पे मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना के मार्केट ने और अच्छा खासा अपसाइड गया यहाँ पे। ठीक है, अपसाइड यहाँ पे मार्केट गया जी, यहाँ तक आया, इसके बाद थोड़ा सा यहाँ थोड़ा सा टाइम साइडवेज रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद
मार्केट जो साइडवेज रहा, अगर इसके बाद देखेंगे, दिखा देता हूँ मैं कि किस टाइप से आज का जो मार्केट था किस टाइप से चला हुआ है। जी यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ, यहाँ डाउन गया, यहाँ मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाया, यहाँ पे अप गया, यहाँ पे थोड़ी देर साइडवेज रहा, ये साइडवेज रहा मार्केट यहाँ पे, उसके बाद थोड़ा सा निकला अपसाइड में, इस साइडवेज मार्केट से थोड़ा सा अपसाइड में निकला, उसके बाद यहाँ रिटेस्ट मारा, फिर अपसाइड में अच्छा खासा गया इस ट्रेंड लाइन की सपोर्ट लेके, फिर उसके बाद फिर डाउन आया, थोड़ा सा इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट फिर से लिया और फिर अच्छा खासा अपसाइड में गया, और फिर ट्रेंड लाइन को सपोर्ट ले रहा था यहाँ पर मार्केट, लेकिन ट्रेंड लाइन के सपोर्ट में ही एक देखेंगे अच्छी खासी यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल बनी हुई है, इन्वर्टेड हैमर कैंडल कहते हैं जिसको, इस कैंडल को बनाया यहाँ पे ट्रेंड लाइन में, और ट्रेंड लाइन में कैंडल बनाया और अच्छी खासी 5 मिनट की जो कैंडल है अगर देखेंगे करीब ये 40 से 50 पॉइंट की कैंडल बनाया ये वाली, अगर किसी ने इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट किया होगा तो अच्छे से मैंने बताया था लाइव में, ये देखो यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल बन रही है लाइव में, अगर जो लोग जुड़े थे उनको मैंने बताया था तो उन्होंने प्रॉफिट भी किया, 40-50 पॉइंट की जो कैंडल थी, 40-50 पॉइंट तो कोई कैप्चर नहीं करता, टॉप और बॉटम कोई कैप्चर नहीं कर पाता है, तो उनको मैंने करीब करीब 25 से 30 पॉइंट का जो है ना उसकी रेडी पकड़ाया था इसमें, ठीक है ना, उनने ट्रेड बनाया और अच्छा खासा प्रॉफिट किया। उसके बाद मार्केट डाउन आया देखेंगे, उसके बाद फिर से अब गया, ये ट्रेंड लाइन को भी तोड़ दिया और यहाँ पे आकर क्लोज कर दिया, और अगर अब मार्केट को देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट मार के अगर डाउन आना चाहे मार्केट तो डाउन भी आ सकता है, ठीक है ऐसा। अब अगर मार्केट को 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, आज का जो मार्केट था उसका एनालिसिस बता दिया मैंने, अगर अब देखेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जो मार्केट का एनालिसिस है, मैं ये बता देता हूँ कि अब मार्केट कहाँ जाने वाला है और कैसे जाएगा वो भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। अगर थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पे, ये जो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन आ रही है, और मैंने जो इस ट्रेंड लाइन पहले ही बताया है, और पहले बताया मतलब इस ट्रेंड लाइन की सपोर्ट से जो कल का ट्रेडिंग सेशन था उसमें हर किसी ने अच्छा खासा प्रॉफिट किया है, ये वाला इस ट्रेंड लाइन, ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन का जो कल जो मार्केट था वहाँ अच्छी खासी 15 मिनट की शूटिंग स्टार हैमर इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना के और डाउन साइड आया मार्केट, दिन भर डाउन में ही रहा, फिर उसके बाद में उस कैंडल को तक वहाँ तक छूने तक नहीं गया, ठीक है ना। तो कल जो भी इस स्ट्रेटजी को फॉलो किया था, जो मैंने लाइव में बताया था इस चीज़ को, जो भी मेरे लाइव में थे उन लोगों को पता है कितना अच्छा प्रॉफिट किया है उन लोगों ने, ठीक है। अब अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में इसको देखेंगे, लेवल वगैरह देखेंगे, तो इसका जो पहला जो सपोर्ट बन रहा है, पहला ये सपोर्ट बन रहा है जो लास्ट टाइम का कहा जाए तो ऑल टाइम हाई था, 21,834 करीब का था, यही जो लगाया हुआ है मैंने सपोर्ट लगाया हुआ है, ये पहला सपोर्ट बन रहा है, ठीक है। और ये ट्रेंड लाइन का थोड़ा सा ध्यान देना, इसके बाद जो सपोर्ट बन रहा है इसमें, इसके बाद जो सपोर्ट बन रहा है ये बन रहा है ये वाला सपोर्ट, कौन सा ये दिखा देता हूँ मैं, ये जो सपोर्ट वगैरह मैं जो बता रहा हूँ उसका थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि मार्केट बहुत अच्छे से फॉलो करता है जो मैं बता रहा हूँ उसको, मार्केट बहुत अच्छे से फॉलो करता है। 21,730 का जो सपोर्ट है ना ये बन रहा है, 800 को अगर निकालता है मार्केट तो 21,730 करीब का सपोर्ट बन रहा है ये वाला सपोर्ट, ठीक है। इसके बाद जो सपोर्ट आ रहा है अगर नीचे में डाउन साइड में देखेंगे तो 21,640 करीब का जो सपोर्ट है ये बन रहा है अगर देखेंगे तो, कौन सा वाला, ये वाला 21,645 का, ठीक है। करीब करीब 70-80 पॉइंट नीचे डाउन में सपोर्ट बन रहे हैं, और अपसाइड देखेंगे अगर अब तो मैं एक प्रकार से फिबोनाची लगा के लाइव में जब मंडे को जब लाइव आऊँगा तो उसमें पूरा मैं बता दूंगा कि इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो मैंने आज बता दिया है इसमें, और बाकी इसका जो रेजिस्टेंस जो बन रहेंगे वो मैं बता दूंगा लाइव में,
ठीक है, तो आप सब लोग लाइव से जुड़ जाएं, और अगर फेसबुक इंस्टा व्हाट्सअप चैनल वगैरह सब चीज़ से जुड़ना है मुझसे, तो सब चीज़ लिंक मेरे यूट्यूब चैनल में पड़ी हुई हैं, तो उनको ज्वाइन करके वो सब चीज़ उससे जुड़ सकते हैं मेरे, ठीक है, और लाइव में जुड़ना ना भूलें मंडे से। ओके, थैंक यू।